हेलो गाइस, वेलकम बैक भूवी रीडिंग शो। तो कैसे हो आप सब? थैंक यू सो मच जो आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो। तो आज का मुकबैंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के मुकबैंग में मेरे पास यहाँ पर होममेड फूड जो कि मेरी मम्मा ने खुद ही घर पर बनाया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, मेरे पास है यहाँ पर कढ़ी, खट्टे वाली कढ़ी, और यहाँ पर चावल, और यहाँ पर एक्स्ट्रा कढ़ी, और होममेड बने हुए पकोड़े। यहाँ पर मेरे पास तीन चार तरह के पकोड़े हैं यार। सबसे पहले यहाँ पर है ऑनियन पकोड़ा और चिल्ली का पकोड़ा, और यहाँ पर है आलू का पकोड़ा, और यहाँ पर है मेरे पास दो समोसे, और पर है मेरे पास लूची, और यहाँ पर है पकोड़ों के साथ खट्टे वाली इमली की चटनी, और मीठे में मेरे पास है जलेबी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियोस को भी लाइक कीजिए, और हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में मिल सके। चलो जल्दी से ये मज़ेदार मुकबैंग करते हैं स्टार्ट, और बताते हैं आपको कैसा बनाए। चलो फिर खाना स्टार्ट करते हैं। पहले बताते हैं आपको पकोड़े कैसे बने हैं। ये मेरा फेवरेट रिंग ऑनियन पकोड़ा। चलो ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पर है मिर्ची का पकोड़ा। आलू का पकौड़ा। मिक्स पकौड़ा। चलो करते हैं फिर स्टार्ट कढ़ी चावल खाना। फर्स्ट बिग बाइट। लूची ट्राई करते हैं। Thank you.
समोसा टू गुड। ये मैं मार्केट से लेकर आया हूँ, बाकी चीज़ें होम मेड थी। अब है मीठे की बारी, जलेबी देखो कितनी बड़ी है। आज का मुकमा यहीं पर ही ख़त्म होता है, मैंने सभी चीज़ें फिनिश कर दी है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, जो कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। टिल टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।